आपका पहला किस्त आ गया? पहला भी आ गया, दूसरा गया, तीसरा नहीं चढ़ा रहा। क्यों नहीं चढ़ा रहा है? पैसा खोज रहा है तीसरा किस्त। कितना पैसा मांग रहा है? 10,000 खोज रहा था, 5,000 एक बार दिए, शुरू बार दिए, 3,000 फिर भी खोज रहा, 5,000। दूसरी किस्त आया, कितना पैसा मांगा है? आवास आया दो किस्त आया कितना पैसा मांगा आपसे? 10,000 मांग रहे थे कभी। कितना पैसा दिए हैं आवास सहायक को आप? 10,000। हुआ आपका? मेरा नाम अर्जुन रविदास। कहाँ घर हुआ? नोनी घर है। पैसा भी मांगा? पैसा 20,000 रुपये देगा तो आपको हो जाएगा। आवास सहायक बोला? मोहम्मद कुरबान अली। कहाँ घर हुआ आपका? नोनी मकान। ये आवास सहायक कितना रुपया मांगा है आपसे? हमसे मांग रहा था 10,000। 10,000 रुपया। क्या नाम हुआ सर आपका? रामनंदन प्रसाद, मुखिया ग्राम पंचायत मस्को। हमारे यहाँ 10-20 लोग ग्रामीण जिन्हें आवास दिया गया है वे लोग आए थे और बोले कि हमसे 10,000 और 15,000 रुपया, कोई कह रहा 15,000 रुपया लिया, कोई कह रहा 10,000 रुपया लिया। हम काफ़ी समझाने का काम किया कि रुपया देने का कहीं कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए रुपया नहीं लीजिए। इसके द्वारा जो है काफ़ी हमारे पंचायत में घोटाला किया जा रहा है। एक भ्रष्ट आवास सहायक प्रशासन से हम कहना चाहेंगे कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को अविलंब नौकरी से बर्खास्त किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं NTV न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर नवादा जिले के मिसकौर प्रखंड से आ रही है। आपको बताते चले कि मिसकौर पंचायत के आवास सहायक संतोष कुमार पर मिसकौर पंचायत के ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में नाजायज कमीशन वसूलने का गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि संतोष कुमार पंचायत में आकर कहता है कि लाल कलम चला देंगे तो तुम्हारा कोई किस्त नहीं मिलेगा, इसलिए कमीशन के तौर पर हमें 10,000 तो किसी से 15,000 देने का धौंस दिखा रहा है। इधर मिसकौर पंचायत के मुखिया रामनंदन प्रसाद ने बताया कि सहायक मेरे मना करने के बाद भी लाभुकों से किसी से 10,000 तो किसी से 15,000 नाजायज पैसा वसूल रहा है, जो कि सरासर गलत कार्य है। मुखिया रामनंदन प्रसाद तथा वार्ड रंजीत कुमार ने जिलाधिकारी से आवास सहायक संतोष कुमार पर अविलंब कार्रवाई कर इसे तत्काल हटाने की मांग किया है। आइए जानते हैं हम कि ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा आवास सहायक के बारे में। मकान बनाने के लिए जो पहली किस्त आया है या दूसरी किस्त आया है, कितना पैसा मांगा है आवास सहायक? दो किस्त आया। कितना पैसा मांगा आपसे? 10,000 मांग रहे थे, कभी इसकी बार 3 बार देना पड़ेगा। ठीक है, मैंने 10,000 तीन बार देना पड़ेगा, मैंने 30,000। 10,000 क्या? कौन था आवास सहायक का नाम क्या है? नाम है संतोष। संतोष कुमार, आपका पंचायत का आवास सहायक वही है? हाँ। मैंने बिना 10,000 ले आपका दूसरा तीसरा किस्त नहीं देगा, कल नहीं चढ़ेगा। अच्छा, मैंने धमकी के टाइप का। मेरा नाम से नहीं है, मेरा पापा नाम से। आपका पहला किस्त आ गया? पहला भी आ गया, दूसरा गया, तीसरा नहीं चढ़ा रहा। क्यों नहीं चढ़ा रहा है? पैसा खोज रहा है तीसरा किस्त। कितना पैसा मांग रहा है? 10,000 खोज रहा था, 5,000 एक बार दिए, शुरू बार दिए, 3,000 फिर भी खोज रहा, 5,000। तो कितना, मतलब कौन मांग रहा है पैसा? ये सहायक जो बोल सहायक कौन है? सहायक संतोष कुमार। हाँ। क्या बोल रहा है? बोलो 5,000 आप दीजिएगा तो चढ़ाएंगे तीसरा किस्त। नहीं तो नहीं चढ़ाएंगे। ठीक, देखिए सर, फूट फॉर्म भर डाला गया, पैसा मांग लिया, पैसा नहीं चढ़ा। देखो सर, ऐसे जम फूट फॉर्म भर उठा। कितना पैसा दिए हैं आवास सहायक को आप? 10,000। कितना मांग रहा था? तो दे दिया, फिर जो किस्ती चढ़ाया दूसरा तो बोल रहा है कि से 5 दे दीजिए पंडित जी के हाथ में, सब उसको आके ले लेना। पंडित जी कौन है? वो जादव है, दलाल है, मतलब उसका आवास सहायक का दलाल है कि? अच्छा, तो आवास सहायक कौन है, क्या नाम है आवास सहायक का? संतोष कुमार। ये मैंने किसी के दबाव में आकर के नहीं ना बोल रहे हैं आप, या डर से नहीं बोल रहे हैं? क्या मैंने पैसा आपसे लिया है? संतोष कुमार। 10,000। मोहम्मद कुरबान अली। कहाँ घर हुआ आपका? नोनी मकान। ये आवास सहायक कितना रुपया मांगा है आपसे? हमसे मांग रहा था 10,000। 10,000 रुपया। आप कितना दिए? हम 3,000 रुपया पहले दे चुके थे। अच्छा, हाँ, 10,000 रुपया और मांगता था, मैंने बोलता था कि नहीं दोगे तो नहीं चढ़ेगा, नहीं आएगा आपका किस्त, नहीं आएगा, तो आप दे दिए थे डर से? तो इसके बाद में मैंने नहीं आने के डर से आप दे दिए 10,000? दे दिए थे। अच्छा, 10,000 दे दिए। कौन आया था मांगने आवास सहायक? हाँ, वो ये जो संतोष का बोलता है उसको, संतोष कुमार। हाँ, अच्छा ठीक। और फिर भी सरोज के पास भी फोन किए हैं एक बार की पैसा लगे, हाँ, कहे कि 10,000-15,000 रुपया मांगता है भाई। बोले उस साला कौन, उसका बाप का है, वो चढ़ावेगा।
मुखिया जी भी नहीं बोले। अब मुखिया जी के अभी बोले, फोन किए तो बोले कि भाई काहे देगा एको पैसा, मत देना एक पैसा। अब फिर भी मतलब कि अब बरसात सीजन कर दिया, अब इसका मतलब फोटो फिर लेके गया ऐसे, हाँ मजबूरी में आया चुपचाप दे करके चला गया, लेकिन कुछ बोला नहीं। आप किसी के दबाव में नहीं ना बोल रहे हैं? नहीं जी, मैंने डर से नहीं ना, नहीं जो रियल है वो बोल रहे हैं। हाँ जो सही बात बोला वही हम बहुत बोल रहे हैं। ठीक, क्या नाम हुआ सर आपका? रामनंदन प्रसाद, मुखिया ग्राम पंचायत मस्कौर। आपके पंचायत में आवास सहायक संतोष कुमार के द्वारा काफ़ी मात्रा में घोटाला किया जा रहा है, कमीशन के तौर पर आपके नाम पे या बीडीओ साहब के नाम पे हर एक आवास सहायक के लाभुकों से कमीशन के तौर पर किसी से 10,000 किसी से 20,000 लिया जा रहा है, क्या सच्चाई है आपके अपने पंचायत में? हमारे यहाँ भी 10-20 लोग ग्रामीण जिन्हें आवास दिया गया है वे लोग आए थे और बोले कि हमसे 10,000 और 15,000 रुपया, कोई कह रहा 15,000 रुपया लिया, कोई कह रहा 10,000 रुपया लिया। हम काफ़ी समझाने का काम किया कि रुपया देने का कहीं कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए एक रुपया नहीं लीजिए, नहीं तो इसमें वीडियो साहब कुछ जानते हैं, नहीं तो मुखिया जी जानते हैं। और घूम घूम करके भी कुछ कुछ गांव में जहां जहां इंदिरा आवास हुआ है, हम लोग कहे हैं कि किसी को एक रुपया भी नहीं देना है, लेकिन ये जो है गलत सलत बना करके किसी का रुपया हम रिटर्न करवा देंगे तो फलना करवा देंगे चिलना करवा देंगे, धौंस कर ये जो है रुपया हमारे पंचायत में ले रहा है। ये व्यवहार सहायक के द्वारा हमारे पंचायत में काफ़ी धांधली किया जा रहा है। ऐसे तो हमको पता चला है, अभी तक हम लिस्ट नहीं जानते हैं कि कितना आदमी का हुआ है। 20 बार हम जो है लिस्ट मांगने का कोशिश किए हैं, लेकिन लिस्ट हमको नहीं दिया है। पता चला है कि करीब ने 20% वैसे लोग हैं जिनको पक्का मकान पूर्व से बना हुआ है, 2 तल्ला मकान बना हुआ है, उसको भी ये इंदिरा आवास देने का काम किया है और उसको एक किस्त नहीं बल्कि 2-2 किस्त भी दे देने का काम किया है। इसके द्वारा जो है काफ़ी हमारे पंचायत में घोटाला किया जा रहा है ये भ्रष्ट आवास सहायक पे। जिला प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? जिला प्रशासन से हम कहना चाहेंगे कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को अविलंब नौकरी से बर्खास्त किया जाए।